गुड आफ्टरनून। बंगाल के बाद अब हम जिस नए राज्य की बात करेंगे जहां पे अंग्रेजों का, क्योंकि अंग्रेज अब धीरे धीरे अपने प्रशासन को आगे बढ़ा रहे थे, इसी क्रम में एक राज्य आया मैसूर। अच्छा, ये अगर देखा जाए तो मैसूर इनकी राजनीतिक विस्तार का परिणाम था। मैसूर पे कब्जा इन्होंने किया क्योंकि अपना राज्य सभी बढ़ाना चाहते थे और अब ये केवल व्यापारी नहीं रह गए थे, है ना। धीरे धीरे इन्होंने अपने कानून बनाना भी शुरू कर दिया था। हमने देखा था कि बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था हो चुकी थी। तो अगर कभी ये सवाल आता है कि द्वैध शासन कब से कब तक था, तो द्वैध शासन चला था 1765 से लेके 1772 तक। उसके बाद ये लॉर्ड क्लाइव ने शुरू किया था, वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसे खत्म कर दिया था। अब द्वैध शासन का धीरे धीरे ये चीजें वहां कानून बनने लगे। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आ गया था। हमें पता है कि रेगुलेटिंग एक्ट में वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे उन्हें बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। उस समय हाईकोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो धीरे धीरे अंग्रेजों की हर तरह की पावर आगे बढ़ने लगी थी। तो मैसूर पे उनका कैसे अधिकार हुआ ये हम जानते हैं। 1565 की बात थी। 1565 में तलीकोटा वॉर। इस युद्ध में क्या हुआ था, इस युद्ध के बाद विजयनगर स्टेट था, इसका डाउनफॉल होने लगा या पतन होने लगा। 1565 ईस्वी के तलीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। और विजयनगर साम्राज्य के पतन होने के बाद वहां पे 1612 में अरविंदु वंश की स्थापना हुई। 1612 में अरविंदु वंश की स्थापना हुई और अरविंदु वंश का ही शासक था वेंकट सेकंड। ठीक है, तो इसी समय मैसूर में वाडियार वंश की स्थापना हुई। ठीक है, क्योंकि जब विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ तो कई छोटे छोटे स्टेट बन लगे, इसमें मैसूर भी एक बना। ठीक है, तो मैसूर का उदय, मैसूर उसी समय से बनने लगा। तो मैसूर के बारे में उस समय से चीजें, क्योंकि दक्षिण के क्षेत्र में था ये, तो मैसूर की रियल पावर्स मैसूर की सामने आई जब 18th सेंचुरी में यहां पे मैसूर पे चिक्का कृष्णराज ये राजा था। लेकिन जो रियल पावर्स थी, जो वास्तविक शक्ति थी, वो दो लोगों के हाथों में थी। वास्तविक शक्ति नंदराज और देवराज के हाथों में थी। नंदराज जो था कमांडर था, सेनापति था, और देवराज जो था ये वित्त मंत्री या फाइनेंस मिनिस्टर था। ठीक है, तो 1565 तलीकोटा का युद्ध हुआ, विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। वहां पे पहले अरविंदु वंश की स्थापना हुई, फिर मैसूर में वाडियार वंश की स्थापना हुई 18वीं शताब्दी में, जब चिक्का कृष्णराज राजा था, लेकिन वास्तविक पावर या वास्तविक शक्ति नंदराज और देवराज दो मंत्रियों के हाथों में थी। नंदराज वहां का सेनापति था और देवराज वहां का वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर था। बाद में सर्वे सर्वा नंदराज ही हो गया। ठीक है, और नंदराज के टाइम पे ही इसकी सेना में 1760 में एक सिपाही आया, हैदर अली। यहां पे आया जल्दी ही। हैदर अली अपनी योग्यता से और राजमाता की सहायता से, जो मैसूर वंश की राजमाता थी, उनकी सहायता से जल्दी ही ये मैसूर की गद्दी पर बैठ गया। तो अब मैसूर का राजा 1761 में कौन बना, हैदर अली। 1761 में हैदर अली यहां का राजा बना। ओके, अब हैदर अली जो था इसने क्या क्या काम की शुरुआत की।
हैदर अली ने क्या किया 1761 में हैदर अली यहां का राजा बना। इसने एक काम ये किया, डिंडीगुल नाम की जगह पे, डिंडीगुल नाम की जगह पे जो इसके आर्म्स फोर्सेस के लिए जो हथियार थे, शस्त्रागार जिसे कहा जाता है, मॉडर्न तो आधुनिक शस्त्रागार बनवाया, आधुनिक शस्त्रागार यहां बनवाया और अपनी राजधानी मैसूर से ले गया श्रीरंगपट्टन। श्रीरंगपट्टन यहां से कैपिटल ले गया मैसूर से। तो अगर दक्षिण की सेनाओं में देखा तो हैदर अली इकलौता ऐसा ताकतवर योद्धा था जिसने अंग्रेजों को हराया था, एक बार ही सही लेकिन हराया था। तो इस समय मैसूर पे राजा हैदर अली हुआ, 1761 में राजा बना यहां का, डिंडीगुल में से एक शस्त्रागार बनवाया और मैसूर से अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम ले गया। इस समय पे इनके बीच में अब धीरे धीरे युद्ध स्टार्ट होने लगी। किसकी किसकी बीच में? मैसूर वर्सेस ब्रिटिशर्स के बीच में, मैसूर वर्सेस ब्रिटिशर्स के बीच में। इनके बीच में टोटल फोर वॉर हुए थे, चार वॉर हुए थे, ठीक है। अब क्योंकि इसने डिंडीगुल में शस्त्रागार की स्थापना की थी और ये फ्रांसीसियों से हेल्प लेता था, फ्रेंच इनकी मदद करते थे, तो कहीं ना कहीं ये रीजन, ये बातें अंग्रेजों तक पहुंच गई। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट, दैट ही वाज अ फ्रेंडली, हैदर अली ही वाज अ फ्रेंडली स्टेट और फ्रेंड ऑफ द फ्रेंच, मैसूर वाज अ फ्रेंडली स्टेट ऑफ द फ्रेंच। तो ये रीजन था अंग्रेजों को, जब इस बात की पता लगा तो उन्होंने इसी वजह से युद्ध की शुरुआत की। उस समय पे मराठा और हैदराबाद के निजाम ये दोनों जो थे अपॉर्चुनिस्ट, अवसरवादी थे। उस समय पे मराठा और निजाम ये दोनों अवसरवादी थे, मतलब ये जिसकी तरफ ताकत या कोई लालच दिया हो जाता था कि हमें तुम्हें लूट के इतना क्षेत्र देंगे तो ये उसी की तरफ चले जाते थे, ठीक है। और निजाम भी यही हाल था और यही हाल था मराठाओं का भी, क्योंकि मराठा भी विश्वास करते थे लूटपाट में, प्लंडरिंग में। तो इसी सब कारणों से पहला युद्ध जो हुआ, आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ, ये पहले स्टार्ट हुआ जो 1769 से स्टार्ट हुआ, 1767 से 1769। ये था फर्स्ट एंग्लो मैसूर, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ वो हैदर अली और ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ, ठीक है। अब इस युद्ध में फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में मराठा और निजाम इन दोनों ने साथ दिया किसका? ब्रिटिशर्स का, अंग्रेजों का साथ दिया। और हैदर अली यहां से अपनी सेना के साथ लड़ाई कर रहा था, ये वॉर इनके बीच में स्टार्ट हुई। लेकिन हैदर अली ने मराठाओं को एक परमिशन दे दी थी चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने के लिए कि आगे मैं तुम्हें एक वादा कर दिया था, वचन दे दिया था कि तुम्हें मेरे कुछ क्षेत्रों से चौथ और सरदेश मुखी मिल जाएगी और निजाम को कुछ स्टेट्स देने का वादा कर दिया था। तो ये दोनों जो अंग्रेज के साथ थे, ये दोनों युद्ध से हट गए, ये दोनों युद्ध से हट गए और हैदर अली अपनी सेना के साथ अंग्रेजों से भिड़ गया। और लड़ाई होते होते, युद्ध चलते चलते वो कहां पहुंच गया? वो मद्रास तक पहुंच गया। और फाइनली जब ब्रिटिशर्स को लगा, फाइनली जब इसमें वॉरेन हेस्टिंग्स था जो गवर्नर था, जब ब्रिटिशर्स को लगा कि अब वो युद्ध हार जाएगा, तो इनके बीच में एक संधि हुई, इनके बीच में एक संधि हुई जिसे कहा गया मद्रास की संधि। तो इस मद्रास की संधि के अनुसार इसमें शर्तें जो थी हैदर अली ने डिसाइड किए, दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश एक दूसरे को वापस कर दिए, कैदी वापस कर दिए और यह भी वादा किया कि अगर कोई तीसरा आक्रमण करते हैं तो हम मदद करेंगे एक दूसरे की। लेकिन इससे अंग्रेजों को बहुत बड़ा धक्का लगा क्योंकि पहली बार कोई इंडियन जो था वो संधि की शर्तें, ट्रीटी की शर्तें डिसाइड कर रहा था। तो इस तरह से मैसूर की
स्थापना के बाद जब वहां हैदर अली राजा बना, तो हैदर अली एक योग्य सेनापति था, वह आगे बढ़ते हुए अंग्रेजों से पहली बार के युद्ध में जीत गया और मराठों और निजामों के अवसरवादी प्रवृत्ति का उसने फायदा उठाया और पहले युद्ध में जीतने के बाद उसने अंग्रेजों से एक संधि की जो थी मद्रास की संधि। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों को धक्का लगा और उसके बाद उनके बीच तीन और युद्ध हुए। शायद दूसरे ही युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। तो इसी क्रम में हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अब इसके बाद हम दूसरा, तीसरा, चौथा, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे किस तरह से इनके बीच में युद्ध हुआ और फाइनली मैसूर राज्य का स्थापना, मैसूर राज्य का जो कैप्चर था वो किसके हाथ में आ गया। ठीक है, थैंक यू।